और ये भाई जो होमलेस और गरीब लोग हैं यूरोप में, इनमें से बहुत कम इनके लोकल हैं, मोस्टली हैं रिफ्यूजी और सारे पीसफुल कम्युनिटी के रिफ्यूजी हैं। पूरे यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं उन सबकी पॉलिसीज इस पार्लियामेंट के थ्रू डिसाइड होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर भाई जितने भी इलीगल रिफ्यूजी आते हैं पीसफुल कम्युनिटीज से, वो अपने बच्चों से भी भीख मंगवाते हैं। दोस्तों मैं आया हूँ ब्रसल सेंट्रल स्टेशन पे। ये भाई यूरोप का सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन है। पहले दोस्तों मैं एम्स्टरडम में था, बट वहाँ पे क्या है भाई ज्यादा कुछ घूमने का है नहीं, वहाँ पर मैं घूम के बोर हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा भाई थोड़ा ब्रसल्स भी घूम लेते हैं। वहाँ से मेरे निकलते 2.5 घंटे की ट्रेन थी बस। और अभी दोस्तों बस मैं निकला यू ट्रेन से, और निकलते ही भाई यहाँ पे देखो होमलेस लोग हर जगह आपको दिखेंगे। और ये सिटी भाई कोई छोटी मोटी सिटी नहीं है, ये बेल्जियम की भी कैपिटल है और इनफैक्ट यूरोप की भी कैपिटल है। जो यूरोप का पार्लियामेंट है वो यहाँ पे है। और आप सोच सकते हो भाई अगर यहाँ पे इतनी ज्यादा होमलेसनेस है, इतने ज्यादा होमलेस लोग है, तो बाकी यूरोप का कितना बुरा हाल होगा। और ये भाई जो होमलेस और गरीब लोग है यूरोप में, इनमें से बहुत कम इनके लोकल है, मोस्टली है रिफ्यूजी और सारे पीसफुल कम्युनिटी के रिफ्यूजी है भाई। पीसफुल कम्युनिटी वाले भाई पूरे यूरोप में अपना पीस स्प्रेड कर रहे हैं, चाहे हम बात करें फ्रांस की, स्वीडन की, जर्मनी की, हर जगह अपना नाम रोशन कर रहे हैं वो लोग। वैसे दोस्तों पूरे यूरोप में एक ही देश है पोलैंड जो पीसफुल कम्युनिटी को अपने लोड़े पे रखता है। If you are asking me about Muslims illegal immigration, none, not even one will come to Poland, not even one. We took over 2 million Ukrainians who are working, who are peaceful in Poland. We will not receive even one Muslim. वैसे अभी दोस्तों मैं यहाँ पे आया हूँ एक दुकान पे। ये भाई वॉफल होता है, ये स्पेशलिटी है यहाँ की बेल्जियम की, तो पूछते हैं इनसे, can I have one Belgian waffle? दिखने में इतना टेस्टी लग रहा है, खाने में तो मजा ही आ जाएगा। और इसमें से भाई स्मेल भी बहुत खूबसूरत सी आ रही है, तो बिना किसी बकचोदी के से ट्राई करते हैं भाई, बहुत भूख लग रही है। हालांकि भाई बेल्जियन वॉफल, हाँ ये कर लो पहले। हालांकि भाई बेल्जियन वॉफल मैंने कई बार खाया, पूरे यूरोप में मिलता है क्योंकि ये ओरिजिनल की तो भाई अलग ही बात है। और अभी भाई जब मैं आ रहा था ना एम्स्टरडम से, इनकी जो ट्रेन थी एम्स्टरडम टू ब्रसल्स पूरी फुल थी, और ऐसा हाल हो गया था कि भाई चलने की जगह नहीं थी, टॉयलेट यूज करने की जगह नहीं थी। और उसका भी जो मेन रीजन है ना वो यही है कि ओपन इमिग्रेशन इन्होंने कर दी है, और फ्री में ये पीसफुल कम्युनिटी से लोग मंगवा रहे हैं, उनको एज ए रिफ्यूजी रख रहे हैं, उनको लग रहा है भाई चीप लेबर मिलेगा, बट चीप लेबर की जगह पीसफुल कम्युनिटी वाले इनकी इकोनॉमी की 4 पीस कर देते हैं। और भाई सबसे बड़ी दिक्कत क्या है पीसफुल कम्युनिटी के साथ कि वो आते तो एज ए रिफ्यूजी है, बट वो अपने बच्चों को भी रिफ्यूजी, अपनी आने वाली जनरेशन को भी रिफ्यूजी बना के रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भाई जितने भी इलीगल रिफ्यूजी आते हैं पीसफुल कम्युनिटीज से, वो अपने बच्चों से भी भीख मंगवाते हैं। और वैसे अभी मैं आया हूँ ब्रसल्स के ग्रैंड स्क्वायर पे, और ऐसा आर्किटेक्चर दोस्तों शायद ही आपको दुनिया में कहीं और देखने को मिलेगा। और यहाँ का भाई जो आर्किटेक्चर है ना, ये भी एम्स्टरडम की तरह काफी डिफरेंट है। यहाँ की दोस्तों एक स्पेशल ड्रिंक है डेलीरियम करके, ये क्या पूरे यूरोप में बहुत पॉपुलर है, और इसकी स्पेशलिटी ये है कि इसको अगर आपने पी लिया एक बार तो हैंगओवर बहुत जल्दी चलता है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट बियर मानी जाती है पूरे यूरोप की। तभी अगर आप नोटिस करें भाई कि ग्लास पे एक हाथी बना हुआ है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आप ये पिएंगे तो आप हाथी की तरह लेजी हो जाएंगे। यहाँ पर वैसे भाई जो दारू है ना वो बहुत एक्सपेंसिव है, एक पॉइंट पड़ती है 10 यूरो की, क्योंकि इंडियन रुपीज में होते हैं ऑलमोस्ट 900 रुपए की एक पॉइंट आ रही है। इसलिए अगर आप आ रहे हैं यहाँ पे, आने का प्लान कर रहे हैं, तो अच्छा खासा भाई खर्चा लगा के चलना। और आज क्या है दोस्तों, नेशनल बेल्जियम डे भी है, तो इसलिए यहाँ पे पीछे काफी एक्टिविटीज हो रही है और भीड़ पूरी है भाई सिटी सेंटर में। और ये जो लाइन लगी हुई है ये सिर्फ और सिर्फ वो एक्टिविटी के लगी हुई है, जो माउंटेन क्लाइंबिंग या पता नहीं क्या उसे कहते हैं। और इसी स्पेशल ओकेजन पे बेल्जियम आर्मी ने यंग लोगों के बीच मिलिट्री ट्रेनिंग को प्रमोट करने के लिए काफी अपने कैंप्स यहाँ पे लगाए हुए हैं। और इस चीज की भाई सच में बहुत रिक्वायरमेंट आज की तारीख में, क्योंकि जो यंग जनरेशन है, जेन जी है, वो एक बहुत नल्ली और वीक जनरेशन है। ये कैन डू जनरेशन है, कैन डू जनरेशन। और क्योंकि यूरोप अभी रशिया यूक्रेन के वॉर के अलावा पीसफुल कम्युनिटी के अगेंस्ट भी, मतलब उनके साथ भी उनके क्लैशेस चल रहे हैं, तो इसलिए भाई यंग जनरेशन में मिलिट्री ट्रेनिंग यूरोप में बहुत जरूरी है। और आज दोस्तों यहाँ पे एक फेरिस व्हील भी लगा हुआ है, और कह रहे हैं कि यूरोप का सबसे बड़ा फेरिस व्हील है, इवन लंडन आई से भी बड़ा है। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार यहाँ पे भी राउंड मार ही लेते हैं। और भीड़ हद से ज्यादा हो रही है यार, ये कमाल है, इतनी भीड़ हो रही है भाई यहाँ पे। तो फटाफट भाई लाइन में लगते हैं, पता नहीं कब नंबर आएगा। और वैसे इस फेरिस व्हील का नाम ही भाई व्यू है, क्योंकि माना जाता है कि यहाँ से बेल्जियम का, ब्रसल्स का बेस्ट व्यू आता है। और आज थैंकफुली वेदर बहुत बढ़िया है, हालांकि बेल्जियम में इतना अच्छा वेदर नहीं होता यूजुअली। तो फाइनली भाई बैठ चुके हैं फेरिस व्हील में, मानना पड़ेगा भाई व्यू तो जबरदस्त आ रहा है यहाँ से। और भीड़ देखो भाई हद से ज्यादा भीड़ हो रही है, आधा घंटा लग गया मुझे यहाँ तक फेरिस व्हील तक पहुँचने में।
ओवरऑल अगर मैं कहूँ भाई, इतना खास नहीं था फेरिस व्हील स्पेशली लंडन आई के मुकाबले, क्योंकि लंडन आई जो है वो आई थिंक दुनिया के सबसे बड़े फेरिस व्हील में से एक है, और एक बार आप लंडन आई में बैठ जाओ उसके बाद सारे फेरिस व्हील एवरेज ही लगते हैं। वैसे दोस्तों अभी मैं बेल्जियम की सबसे पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन एटोमियम पे आया हूँ। ये एटम की शेप पे एक मॉन्यूमेंट बना हुआ है और ऑब्वियसली इस तरह का यूनिक स्ट्रक्चर पूरी दुनिया में सिर्फ यही है। और जैसे दोस्तों आईफिल टावर फ्रांस को रिप्रेजेंट करता है, ताजमहल इंडिया को रिप्रेजेंट करता है, वैसे ही बेल्जियम की ये मॉन्यूमेंट रिप्रेजेंटेशन मानी जाती है। और वैसे ये जो एटम है वो आयरन का है, आयरन के एटम को इन्होंने 165 बिलियन टाइम्स मैग्नीफाई करके बनाया है। बट अनफॉर्चुनेटली पिछले कुछ टाइम से पीसफुल कम्युनिटी ने यहाँ पर भी अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो कि देखिए कभी ना कभी होना ही था यूरोप के साथ। अगर आप कंटिन्यूसली अनकल्चर्ड और अनसिविलाइज्ड लोग बुलाएंगे अपने देश में, वो भी एज अ रिफ्यूजी, एज अ इलीगल इमिग्रेंट, भाई अटैक्स तो होंगे ही। और अब दोस्तों मैं जा रहा हूँ यहाँ के पार्लियामेंट की, यूरोप के पार्लियामेंट की तरफ। और इनका क्या भाई, मेट्रो का सिस्टम बहुत सेट है, सच बताऊँ बहुत कन्वीनियंट है, आप कहीं भी बेल्जियम में ब्रसल्स में इजीली ट्रैवल कर सकते हैं इसके साथ। कि मेट्रो क्या है, काफी कन्वीनियंट भी है और इतनी महंगी भी नहीं है। मैं सच बताऊँ तो एक जर्नी की कॉस्ट अराउंड 2 यूरो के अराउंड है। तो ये है दोस्तों यूरोप का पार्लियामेंट, और ये इकलौता ऐसा पार्लियामेंट है जो किसी सिंगल कंट्री का नहीं पूरे कॉन्टिनेंट का है। पूरे यूरोप में जितनी भी कंट्रीज है उन सबकी पॉलिसीज इस पार्लियामेंट के थ्रू डिसाइड होती है, और इसी पार्लियामेंट की वजह से भाई यूरोप ने जो तरक्की करी है, जो प्रोग्रेस किया है, वो दुनिया के हर कॉन्टिनेंट से कई गुना ज्यादा है। क्योंकि देखिए जब पूरे कॉन्टिनेंट की सेम पॉलिसी होगी, पूरे कॉन्टिनेंट में ही डेवलपमेंट का, प्रोग्रेस का माइंडसेट होगा, तो ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्रीज के सिनर्जीज के थ्रू, उनके स्ट्रेंथ्स के थ्रू, ट्रेड की वजह से पूरा कॉन्टिनेंट बहुत तेजी से तरक्की करेगा। और यही रीजन है दोस्तों की यूरोपियन कंट्रीज में जो डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उस स्टैंडर्ड को पूरी दुनिया अचीव करने की कोशिश करती है। जबकि एशिया में एक्जैक्टली इसका ऑपोजिट है, क्योंकि एशिया में बहुत सारी पीसफुल कंट्रीज हैं, टेररिस्ट कंट्रीज हैं, जिनकी वजह से भाई इंडिया जैसी कंट्रीज जो बहुत तेजी से डेवलप कर रही है उनकी तरक्की में वो बाधा डाल रही है। और ये दोस्तों बस मेरी लास्ट डेस्टिनेशन है इस ट्रिप की, क्योंकि इसके अलावा भाई ब्रसल्स में ज्यादा कोई घूमने का नहीं है। ये भी एक बहुत बोरिंग सिटी है, इसमें मोस्टली म्यूजियम्स वगैरह आपको मिलेंगे, लाइब्रेरीज मिलेंगी, जिसमें देखिए पर्सनली मेरा तो कोई इंटरेस्ट है नहीं, तो इसके बाद बस मैं वापस एम्स्टरडम की तरफ निकलूंगा। बट मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इस व्लॉग को एंजॉय किया होगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं भाई तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं आपसे अगली बार एक और मजेदार व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर।